नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इंडियन ज्वेलरी ग्रुप मालाबार गोल्डन डायमंड से, जिन्होंने वेस्ट बंगाल में उनकी एक न्यू ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन कर दिया है और 150 करोड़ पीसेस के ऊपर उन्होंने स्पेंड किए हैं। दोस्तों, मालाबार गोल्डन डायमंड एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। टाइम टू टाइम इनके द्वारा न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए जाते हैं और अभी जो सेटअप किया गया है वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में बनकर तैयार हुआ है, जो कि ओवरऑल 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्राफ्टेड ज्वेलरी जैसे कि गोल्ड, प्रीशियस जेमस्टोन्स और डायमंड्स, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इस प्लांट की एनुअल कैपेसिटी 4 टन की होगी, जिसके लिए इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ेगी, साथ साथ इसके ऑपरेशन होने के चलते 850 न्यू जॉब भी जनरेट हो पाएंगी। अगली दो सब निकल कर आई है चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ओनर से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में दोबारा से एंट्री करने जा रहे हैं और इस साल एंट्री करके अगले साल से वो हमारे देश में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो सो आप जानती हैं कि ओनर जैसी जो दूसरी चाइनीज कंपनीज हैं, इन्होंने हमारे देश के स्मार्टफोन मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है, क्योंकि इन्हीं का ज़्यादा दबदबा है। हालांकि ये जो कंपनी है, यह से 3-4 साल पहले हमारे देश में काम किया करती थी, लेकिन 2020 के आसपास इन्होंने देश से एग्जिट ले लिया था। पर क्योंकि भारत का स्मार्टफोन मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, तो इसी के चलते इन्होंने दोबारा से डिसाइड किया कि वो दोबारा से एंटर करेंगे और जो चाइनीज कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने इंडियन बिजनेस के लिए एक सब्सिडरी ओनर टेक का फॉर्मेशन कर दिया है, जो उनके इंडियन बिजनेस को पूरी तरह से हैंडल करेगी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विसिंग, सभी काम इनके जो इंडियन बिजनेस से रिलेटेड होंगे वो इंडिया में ही किए जाएंगे। और ये आप कह सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन मार्केट के लिए अच्छी अपडेट होगी, क्योंकि चाइनीज कंपनीज का जो डेटा सिक्योरिटी का इशू रहता है उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा, साथ साथ हमारे स्मार्टफोन मार्केट में भी कंट्रीब्यूट कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर रही है हैदराबाद मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड ने हैदराबाद मेट्रो का एक्सपेंशन प्लान लाइनअप कर दिया है और इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और DPR प्रिपेयर करने के लिए टेंडर इन्वाइट कर दिए गए हैं। दोस्तों, हैदराबाद मेट्रो के फेज 3 के अंतर्गत ही काम किया जाएगा और बड़े स्केल पर हैदराबाद मेट्रो एक्सपांड होती देखने को मिलेगी। फेज 3 में टोटल 12 कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, जिनकी टोटल लेंथ 278 किलोमीटर की होगी और इन्हें सभी को लेकर ही टेंडर इन्वाइट कर दिए गए हैं। टेंडर्स के अकॉर्डिंग कंसल्टेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि सर्विस को कंडक्ट करने के बाद अलग अलग लाइन्स के लिए फिजिबिलिटी और DPR प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंसल्टेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, बेसिकली कई सारे कंसल्टेंट्स को अलग अलग लाइन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और किसी भी कंडीशन में एक कंसल्टेंट को 2 लाइन से ज्यादा का काम नहीं दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 5 से 7 तो आपको देखने को मिलेंगे। अगली दो सब डेनिक लग रहा है पुणे से, जहाँ पर दोस्तों पुणे के लोहेगांव एयरपोर्ट का काम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और सितंबर में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाना है। दोस्तों, पुणे का लोहेगांव एयरपोर्ट वैसे एक एयरफोर्स स्टेशन है, जहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए यहां पर एक सिविल इनके लिए बनाया हुआ है, पर क्योंकि पुणे महाराष्ट्र की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक हब मानी जाती है, तो ऐसी सिटी के लिए एक फुल फ्लैश एयरपोर्ट की जरूरत है, जो कि पूरी तरह से ऑपरेट हो पाए। और कई सालों से देखा जा रहा है कि इस चीज़ को नेगलेक्ट भी किया गया है। इमीडिएट रीजंस के लिए लोहेगांव एयरपोर्ट पर एक न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जा रहा था, कई सारी डिटेल्स मिस कर चुकी है और अब जाकर कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 50,000 स्क्वायर फीट में इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें 10 एरो ब्रिजेस और 72 चेक इन काउंटर्स भी बनकर तैयार हो रहे हैं। टोटल 475 करोड़ पीसेस के ऊपर इन्वेस्ट किए गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट ये फाइनल में पहुंच चुका है, तो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसका 95% काम कंप्लीट हो गया है। सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा और अक्टूबर में इसको ऑपरेशन भी किया जाएगा। अगली दो सब डेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ से, जहाँ पर दोस्तों यूनियन टेरेटरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पुश करते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस अकेडमिक एंड रिसर्च सेंटर सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है। तो फिर रिसर्च सेंटर ओवरऑल 2930 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा, जिसको डेवलप करने पर 9.93 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इसको सेटअप किया जा रहा है और क्योंकि ये कोई खास बड़ा टास्क तो नहीं है, तो इसी चलते अगले कुछ ही महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दो सब डेट निकल कर आ रही है झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत झेलम रिवर के 40 घाट्स को श्रीनगर में रेनोवेट किया जाना है और अभी ये जो काम चल रहा था इसको फास्ट स्टेप्स पर डाल दिया गया है। दोस्तों, झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट श्रीनगर स्मार्ट सिटी का एक पार्ट है, जिसको साबरमती रिवर फ्रंट के तरह डेवलप किया जाना है। जिन 40 घाट्स का रेनोवेशन किया जाना है उसमें से अभी तक 20 घाट का रेनोवेशन कम्प्लीट हो चुका है, रिमेनिंग जो 20 घाट बचे हैं अब उनके काम को फास्ट स्टेप पर डाला गया है। घाट रेनोवेशन के अंतर्गत जो हेरिटेज साइट्स है उनको रिवाइव किया जाएगा, साथ साथ जो पब्लिक स्पेसेस है उनके यूज को बढ़ाया जाएगा। वाटर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी यहाँ पर फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। तो अगर आप कह सकते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इन सब को कंप्लीट किया जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों इस कैलेंडर ईयर के पहले हाफ के अंदर अंदर हमारा फॉरेन ट्रेड $800 बिलियन को क्रॉस कर गया है और ये अपने आप में हमारे फॉरेन ट्रेड के लिए रिकॉर्ड है।
दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, जिसके चलते हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो भी डाउन होते देखने को मिले हैं, लेकिन जो हमारे सर्विस एक्सपोर्ट जो कि लगातार बढ़ रहे हैं उनके चलते ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखी गई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने फॉरेन ट्रेड को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको इंडिविजुअली बताऊं तो हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इस साल में जनवरी से जून के बीच में $218.7 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं और उसमें 8.1% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि इंपोर्ट्स में भी 8.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है और $325.7 बिलियन के मर्चेंडाइज इंपोर्ट भी रिकॉर्ड किए गए हैं। बात करें सर्विस एक्सपोर्ट्स की तो जनवरी से जून के बीच में $166.7 बिलियन के सर्विस एक्सपोर्ट देखने को मिले हैं और इसमें 17.7% का ग्रोथ देखने को मिला है और करंट ग्लोबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ये बड़ा ग्रोथ है। इंपोर्ट्स में भी 3.7% का राइज देखने को मिला है और $89.8 बिलियन के इंपोर्ट भी रिकॉर्ड किए गए हैं। कुल मिला के जनवरी से जून के बीच में एक्सपोर्ट्स $385.4 बिलियन के हैं, जबकि इंपोर्ट्स $415.5 बिलियन के हैं एंड इसके चलते जनवरी से जून के बीच में फॉरेन ट्रेड $800.9 बिलियन पर पहुंच गया है और जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है तो उम्मीद करते हैं कि लास्ट ईयर हमने जो फॉरेन ट्रेड किया था उससे बेहतर इस पर हमें देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का जो न्यू टर्मिनल है वहां पर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और इंडिगो की पहली फ्लाइट यहां पर लैंड कर गई है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज से कुछ हफ्ते पहले ही इसका इनोग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, जिसके बाद ये टर्मिनल बिल्डिंग ओपन हो गई थी। हालांकि कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए थे। 707.73 करोड़ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर स्पेंड किए गए हैं और 40,837 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनकर तैयार हुई है, जो पीक आवर्स में 1200 पैसेंजर्स जबकि एनुअली 40 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी और अभी क्योंकि फ्लाइट स्टार्ट हो गई हैं तो लोग अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।